मैं प्रोफेसर डॉक्टर साहर फातमा हूँ। मैं बेसिकली कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी सब स्पेशलिटी है गायने की कैंसर सर्जरीज में, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज में जिसमें लैप्रोस्कोपी और दूसरी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज शामिल होती हैं। इसके अलावा इनफर्टिलिटी यानी बेऔलादगी के केसेस में मैं डील करती हूँ और जो दीगर गायनी और ऑप्स के केसेस होते हैं उनको भी मैं डील करती हूँ। बेसिकली मैं प्रोफेसर हूँ शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज में और मेरी ट्रेनिंग है पाकिस्तान से, मैंने FCPS किया है और फर्दर ट्रेनिंग मेरी जर्मनी से भी है और फ्रांस से भी है। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कशन करूँगी वो है यूट्रस रिमूवल के बारे में, यानी जो हम बच्चेदानी निकालते हैं वो किन केसेस में निकाली जाती है और उनके निकालने के क्या क्या तरीक़े हैं और लेप्रोस्कोपी के ज़रिए बच्चेदानी निकालने के क्या फ़ायदे होते हैं। यूट्रस रिमूवल यानी बच्चेदानी निकालने के डिफरेंट वजूहात होती हैं। इसमें एक बहुत कॉमन वजह होती है एडिनोमायोसिस, बहुत दफ़ा मल्टीपल फाइब्रॉइड यानी बच्चेदानी में बहुत सारी रसूलियाँ हों उनको भी निकालना पड़ता है। कुछ औरतों की पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं और वो औरतें जो फैमिली कंप्लीट कर चुकी हों और बच्चे नहीं चाह रही हों और वो अगर 45 प्लस की एज में हों तो उसमें भी हम यूट्रस रिमूवल करते हैं। बच्चेदानी के रिमूवल उन केसेस में भी हो सकता है जिसमें हमें कैंसर से पहले की स्टेज लगे जिसको हम कहते हैं इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या फिर कैंसर लगे जिसको कहते हैं इंडोमेट्रियल कैंसर। क्या अलामत होती हैं जिनसे पता चले कि आपको इनमें से कोई एक प्रॉब्लम हो? सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर होंगे, आपकी मेंसेस या तो बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे या कम आ रहे होंगे या इरेगुलर आ रहे होंगे या पूरे महीने में आपको स्पॉटिंग होती होगी। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जिसमें आपके पीरियड्स इरेगुलर हों या आपको अपने पैल्विक रीजन में बहुत पेन लगे उसमें बेहतर है कि आप अल्ट्रासाउंड करा के देखें कि आपको यूट्रस या ओवरी रिलेटेड कोई मसला तो नहीं है। ये मसले ब्लाइंड भी हो सकते हैं जैसा मैंने कहा फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस और ये कैंसर्स भी हो सकते हैं। तो ये मालूम करने के लिए पहले इनिशियली हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं और अगर अल्ट्रासाउंड में फर्दर कोई प्रॉब्लम आए तो या तो हम इंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करते हैं या फिर हम डायरेक्टली सर्जरी पर जाते हैं। बच्चेदानी आमतौर पर उन लोगों की निकाली जाती है जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी हो और वो जो एक्सट्रीम ऑफ एज में हो या जिनको फर्दर बच्चे नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ये निकालना ज़रूरी होता है, जैसे और प्रॉब्लम किसी को कैंसर हो जाए तो उस केस में हमें यूट्रस का रिमूवल करना पड़ता है। यूट्रस का रिमूवल करने की सर्जरी दो तरह से होती है, या तो लेप्रोटमी जिसमें हम ओपन ऑपरेशन करते हैं, इसको आमतौर पे पेट खोल के या पेट काट के किया हुआ ऑपरेशन कहा जाता है, या फिर लेप्रोस्कोपी करते हैं। लेप्रोस्कोपी एक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है। लेप्रोस्कोपी में जो हम सर्जरी करते हैं तो उसमें यूट्रस और ट्यूब और ओवरी का रिमूवल सेम होता है जैसे ओपन सर्जरी में हो, मगर डिफरेंस सिर्फ ये है कि एब्डोमेन पे कोई स्कार नहीं आता। ये मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज होती हैं यानी पेट पे आपके 1 सेंटीमीटर या उससे भी छोटा 0.5 सेंटीमीटर का स्कार आता है। ना सिर्फ ये कि स्कार छोटा होता है, इंटरनली भी इस सर्जरी के बहुत से फ़ायदे हैं। ये एडवांस सर्जरी है और अगर अच्छे रिसोर्सेज शामिल हों तो पेशेंट को हम कहते हैं आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही कराएं। एक ऑपरेशन जो लेप्रोस्कोपी से हो सकता है इसमें कोई नुकसान नहीं है, उसके लिए पेट काट के ऑपरेशन कराना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेप्रोस्कोपी करवाने वाले पेशेंट्स को एक दिन में पेशेंट घर चला जाता है, अर्ली मोबिलिटी होती है, ब्लीडिंग नहीं होती, एब्डोमेन पे कोई स्कार नहीं होता, हर्निया नहीं होता, लॉन्ग टर्म कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते और इंटरनली ही वे सर्जरी बहुत अच्छी होती है क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स में एक तरह से एब्डोमेन अवर्जन रहता है कि जब नॉर्मल हम सर्जरी करते हैं तो हमारे हाथ अंदर जाते हैं तो इन्फेक्शन ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं और बाकी जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको भी थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होती है बिकॉज हम एब्डोमेन को खोल के एक्सप्लोर करते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम एक कैमरा अंदर डालते हैं, उस कैमरे से हम पूरे एब्डोमेन को 360 एंगल पे देख सकते हैं तो इससे हमें एग्जैक्टली पता होता है कि पैथोलॉजी किधर है, हम एग्जैक्टली पैथोलॉजी को टारगेट करते हैं और इसलिए ये इंटरनली भी पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है।
ऑलमोस्ट ब्लडलेस सर्जरी है, इसमें खून लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें ब्लीडिंग नहीं होती। तो बच्चेदानी निकालने की अगर किसी वजह से ज़रूरत पड़े तो हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कराएं। एक बहुत एडवांस और सबसे बेहतर सर्जरी है दुनिया भर में। यूट्रस रिमूवल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से ही होता है, मगर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पर एक्सपर्टीज़ मौजूद नहीं है तो लोगों को पता नहीं होता कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है, यूट्रस रिमूव हो सकता है लैप्रोस्कोपिक भी। और अनफॉर्चुनेटली वो एक सर्जरी जो बगैर किसी स्कार के हो सकती है, उसके लिए वो अप डाउन कितना बड़ा स्कार करती हैं, और जब पेट बड़ा खुलता है तो जाहिर बात है उसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, खून ज़्यादा बहता है, और फिर उसमें बाद में हड्डियाँ होने के भी चांसेस रहते हैं। और आमतौर पर औरतें लाइफ लॉन्ग कंप्लेन करती रहती हैं कि सर्जिकल साइड पर पेन हो रहा है और दर्द है, और ये सारी प्रॉब्लम लैप्रोस्कोपी में नहीं होती। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे पीरियड्स इरेगुलर हों, ज़्यादा आ रहे हों, कम आ रहे हों, तो फ़ौरन से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। चाहे आपके अंडेदानी में प्रॉब्लम हो या बच्चेदानी में, मवारी का आगे पीछे होना, सही ना आना या पेट में दर्द होना, ये अलामत हैं जो आपको बता दी आपके अंदर कुछ है। अगर आप बराबर डॉक्टर से रजू करेंगे और इलाज करेंगे तो ये कैंसर बढ़ने से पहले या किसी ख़तरनाक मसले में कन्वर्ट होने से पहले पकड़ी भी जाएगी और बेहतरीन ट्रीट भी हो जाएगी। किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर आप लोग मुझसे रुजू करना चाहें तो आप अल्तमस जनरल हॉस्पिटल में मुझे विज़िट कर सकते हैं। मेरी यहाँ पे डेली क्लिनिक होती है एक्सेप्ट संडे 1 to 2:30 PM, और आप घर बैठे मुझसे वीडियो कंसल्टेशन पे भी रابطہ कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करें।